जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 4,349 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही जम्मू संभाग से 1,440 मामले दर्ज किए गए और वहीं कश्मीर संभाग से 2,914 मामले दर्ज किए गए और इसके साथ साथ पिछले 24 घंटों में 5 मौतें भी दर्ज की गई। लंबे समय से विस्तार का इंतजार कर रहे जम्मू एयरपोर्ट का रनवे 8,000 फीट हो गया है। रनवे विस्तार का काम पूरा होने के बाद जम्मू एयरपोर्ट से इंडिगो के विमान ने पहली उड़ान भरी और इस विमान का नए बने रनवे पर वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया। इससे पहले जम्मू एयरपोर्ट का रनवे 6,700 फीट लंबा था, जो यहाँ आने वाले विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए काफी कम था। अज्ञात आतंकियों ने शुक्रवार को एसडी कॉलोनी बटमालू श्रीनगर में एक पुलिसकर्मी पर गोलाबारी की, लेकिन वे बच गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि करीब 5:15 बजे आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग कर दी, हालांकि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। हमले के तुरंत बाद अधिकारी ने कहा कि पूरे इलाके को घेर लिया गया और तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है और मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत प्रदेश में राजस्व दस्तावेजों का पंजीकरण 2 दिन में होगा। पंजीकृत दस्तावेजों को जारी करने और डुप्लीकेट दस्तावेज की कॉपी जारी करने के लिए भी 2 दिन की समय सीमा राजस्व विभाग के लिए निर्धारित की गई है। वहीं निर्माण कार्य के लिए सड़क अथवा सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण सामग्री या फिर जमीन खोदने पर निकले मलबे के भंडार की 7 दिन के भीतर अनुमति मिलेगी। जम्मू और श्रीनगर में लाइट मेट्रो लेन का काम इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जम्मू में तवी रिवर फ्रंट का काम फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा। जम्मू के एमए स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि तवी रिवर फ्रंट की निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है। जम्मू नगर निगम शहर के फ्लोरिकल्चर विभाग के अधीन आने वाले 60 पार्कों को विकसित करेगा। इन पार्कों को विभिन्न तरीके से विकसित करते हुए इनके सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे ये स्मार्ट सिटी बनने जा रहे जम्मू की छटा को और 4 चांद लगा सके। लद्दाख के लोगों की मदद के लिए हरदम हाजिर रहने वाले भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को करगिल कूरियर सेवा के तहत जम्मू के लिए उड़ान भर 39 लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। वहीं करगिल के 2 मरीजों समेत 5 निवासी पवनहंस हेलीकॉप्टर सेवा से श्रीनगर पहुंचाए गए। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे खुशी है उनकी शास्त्रीय विरासत को आप सब आगे बढ़ा रहे हैं। आज पंडित जसराज जी की जन्म जयंती के पुण्य अवसर पर मैं कहीं न कहीं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। भारत के दवा नियंत्रक ने भारत बायोटेक को उसकी नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक की परीक्षण की इजाजत दे दी है। इस इंट्रानेजल वैक्सीन की खुराक के जरिए देश में जारी कोरोना के खिलाफ जंग से निपटने में मदद मिलेगी। नाक से दी जाने वाली इस कोरोना वैक्सीन का परीक्षण देश के 9 जगहों पर किया जाएगा।